नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज की ये मेरी वीडियो मेरे इंडोर गार्डन के ओवरव्यू के साथ साथ इंडोर गार्डन में मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स के कलेक्शन हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो वीडियो थोड़ा मैं फास्ट मोड पर करूंगा, जल्दी जल्दी करूंगा, एक प्लांट पर बहुत देर तक रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। आज बारिश वाला मौसम बिल्कुल हो रखा है और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होता है जब मौसम में ठंडक होती है थोड़ी सी और नमी होती है वातावरण में। सबसे पहला प्लांट इधर से जो रखा हुआ है ये है गोल्डन पोथोच का। मेरे पास गोल्डन पोथोच का एक पॉट और है जो कि उधर रखा हुआ है। उसके बाद ये है डेफेनबाकिया का प्लांट। नीचे से देखिए इसमें खूब सारे न्यू पर्प्स आ रहे हैं और एक डेफेनबाकिया की ये वाली वेराइटी है जिसको मैंने कटिंग से एक और प्लांट में मतलब कई इसके प्लांट बना लिए हैं। एक यहाँ पर है और दो यहाँ साइड से निकल रहे हैं। इसके बाद मेरे पास ड्रेसिना विक्टोरिया के ये दो पॉट में लगे हुए पौधे हैं। थोड़ा ड्रेसिना विक्टोरिया को मुझे ग्राउंड पर लगाना है, जल्द ही मैं इसको ग्राउंड पर शिफ्ट कर दूंगा। इसके बाद अगला जो प्लांट इस रो में रखा हुआ है ये है रबर प्लांट की अलग अलग वेराइटी। ये देखिए ये आपका फाइकस रूबी, ये नॉर्मल वाला है, उसके बाद ये वर्गंडी है और ये साइबेरियाना है। तो मतलब ये रो पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें नीचे वाली रो में जो पौधे रखे थे सब मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद यहाँ नीचे ये पूरी जो मतलब रो लगी हुई है इसमें सारे के सारे पेंडानेस रखे हुए हैं। पेंडानेस को भी मैंने ग्राउंड पर लगाने के लिए एज अ हेज ग्रो करने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद स्टैंड पर देखा जाए तो यहाँ पर ये सैफलेरा की दो अलग अलग वैरायटी हैं। ये मिनिएचर वाली है और ये थोड़े बड़े पत्ते में जो आती है। उसके बाद यहाँ पर ये मंजुला पोथोज रखा हुआ है। इसके पत्ते थोड़ा ग्रीन इस वजह से ज़्यादा हो गए क्योंकि ये थोड़ा अंदर देखिए बिल्कुल छिप कर बिल्कुल रखा हुआ है। और एक चीज़ और है, ये जहाँ पर रखा हुआ था इसके पहले वहाँ पर इसे धूप बहुत कम मतलब धूप छन कर भी नहीं मिल पाती थी जिसकी वजह से पत्ते प्योर ग्रीन आ गए। फिर यहाँ हैंगिंग पॉट में ये आपका स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। यहाँ भी इस पॉट में स्पाइडर प्लांट और प्लस फर्न की एक वैरायटी जो है वो लगी हुई जो कि बहुत अच्छी ग्रो नहीं कर रही है। और उसके बाद मुझे इस प्लांट का नाम नहीं पता है, लास्ट ईयर ही मैंने इसे अपने गार्डन के अंदर ऐड किया था। जब ये मरने लगा तो मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी, अभी इसकी कटिंग भी ग्रो कर गई है। ऊपर वाली रो में देखा जाए तो मैंने ये सेपरेशन किया था इस वाले प्लांट से, लेडी पाम से, तो वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद ये आपका पर्पल हार्ट रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई हुई है फर्न की और इसी के अंदर मैंने ये एक लगाया हुआ था इस सिंगोनियम की कटिंग, तो वो ख़राब हो गई, फर्न इसके अंदर अभी भी है। और ये यहाँ पर मैंने ब्रोकन हार्ट की कटिंग लगाई है। ये आपके डेविल बैकबोन की एक वेराइटी है, बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रही है। इसके बाद क्रिप्टेंथस है। ये क्रिप्टेंथस जो है मैंने किया क्या था, कई पॉट में इसका सेपरेशन करके लगा लिया है अलग अलग, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। उसके बाद ये आपकी फेलोडेंड्रोन की वेराइटी है एक, मैंने इसको कल बारिश में भीगने के लिए रख दिया था, बड़े पॉट में मैंने शिफ्ट भी किया इसे जल्दी ही। उसके बाद ये नॉर्मल वाला पेडिलंथस का प्लांट है। ये जो मेरा मतलब हैंडमेड पॉट है इसके अंदर ये रबर प्लांट लगा हुआ है और ये सिंगोनियम का एक प्लांट इधर साइड में रख गया है, मुझे थोड़ा इग्नोरेंस पे है, मुझे इसको थोड़ा फ्रंट पे रखना होगा। फिर यहाँ पर ये पाम की एक वैरायटी है। यहाँ अगर आ जाते हैं इस साइड में तो यहाँ पर ये मेरा एरिका पाम है। ये फोनिक्स पाम दो पॉट में लगा हुआ है, इसी पाम का पॉट टूटा था। उसके बाद ये रेड पाम, ये यहाँ पर सबसे ऊपर वाली रो में देखा जाए तो मेरे पास चार पॉट थे तो मैंने दो हटा दिए। अब मेरे पास दो पॉट के अंदर ये अलग अलग वैरायटी के स्पाइडर प्लांट हैं, एक ये वाली वैरायटी है और एक ये वाली है। खूब सारे नीचे पप्स बन गए हैं, जल्दी इनको सेपरेट करके नए पौधे में बदलना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका चाइना पाम है और ये आपके लेडी पाम के प्लांट हैं। बारिश में भीगने की वजह से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में ये। फिर यहाँ पर ये बोट लिली, ये आपका दोनों एरेंथमम है, ये भी एरेंथमम का ही एक प्लांट है और बीच में एक और ये ब्लैक वाला रखा हुआ है। ये दोनों जो हैं आपके, मैं ऐसे ही नाम भूल जाता हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा, वैसे नाम मुझे भी पता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता,
मुझे भी इसका अरेलिया है, ये दोनों अरेलिया की अलग अलग वैरायटी हैं, और अरेलिया की एक वैरायटी मेरी यहाँ पर रखी हुई है ये वाली। मच्छर बहुत ज़्यादा है इस साइड में। और ये आपका क्रोटन बहुत ही हेल्दी है, मेरा क्रोटन का प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उसके बाद यहाँ पर हैंगिंग पॉट में देखिए क्या क्या लगा हुआ है। हैंगिंग पॉट में चार में तो ये पोथोज ही लगे हैं, दो में आपका नियॉन पोथोज है और दो में एंजॉय पोथोज है, बीच में एक ये बोट लिली लगी हुई है जिसे मैंने अभी जल्दी में लगाया है, और एक ये वाली बोट लिली लगी है। इस वाले में थोड़ा गर्मी की वजह से, चूंकि अब की बार बहुत अच्छा मौसम नहीं रहा, इसमें टर्टल वाइन लगी है लेकिन अभी इसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये इस ड्रेसिना की अलग अलग वैरायटी हैं, मैंने ड्रेसिना की कटिंग्स लगाई थी, देखिए अभी हाल में मैंने इस वाले को कट करके यहाँ पर मतलब इसमें लगाया था और यहाँ पर नीचे भी लगा दिया था, ये तीनों ग्रो कर गए, मुझे निकालना है इसको, अलग अलग पॉट में शिफ्ट करना है। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से इसको कट किया था, देखिए यहाँ भी लगा दिया, और ये मतलब इस वाले से कट करके, ये वाला जो कट किया है इस वाले को कट करके यहाँ पे लगाया है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। तो मतलब ये मेरे पास इन दोनों को भी अलग अलग पॉट में मुझे शिफ्ट करना है। हाँ, इसके अंदर मैंने कुछ ये पीसेस भी कट करके लगाए हैं लेकिन अभी वो मुझे किसी तरीके की ग्रोथ में नहीं दिख रहे हैं, जबकि मैंने इस वाले को जब कट किया था दो ब्रांचेज निकली थी, तो दो ब्रांचेज जो निकली मैंने उनमें से एक को यहाँ लगा दिया, एक को मैंने बाहर ले जाकर लगाया और बाकी मैंने जो नीचे लगाया, देखिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई, यहाँ से एक निकल आया है, यहाँ भी एक निकल आया है, तो ऐसे ऐसे करके ये निकल रहे हैं। हाँ चलिए, यहाँ पर ये आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया है, सॉन्ग ऑफ इंडिया में ही नीचे मैंने एक मटके में करके ये पर्पल हार्ट लगाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है, और ये ग्रीन वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया है। फिर यहाँ पर ये वाला जो है ये आपका वेरिएटेड सॉन्ग ऑफ इंडिया है। अब आते हैं गार्डन के इस वाले हिस्से में, यहाँ पर ये सारे आपके जीजी प्लांट हैं, नीचे के पत्ते मुझे जो बहुत पुराने पत्ते हैं इनको कट करना पड़ेगा, ये गर्मी में ही जल गए थे, बाकी नए पत्ते तो बहुत ही हेल्दी निकल के आ रहे हैं, ये देखिए। और जीजी प्लांट मैंने बहुत सारे सेपरेशन भी किए हुए हैं, छोटे छोटे भी देखिए बिल्कुल लगाए हुए हैं ये, और अभी जल्दी में मैंने ये वाला स्टेम प्रोपगेशन किया है, ये देखिए ये सभी जल्दी प्रोपगेट किए हुए हैं, और ये पुराना पॉट है, ब्लैक और ग्रीन दोनों मेरे पास हैं, ग्रीन के दो बड़े बड़े पॉट हो गए हैं मेरे पास, देखिए इनकी हाइट देखिए, एक ये और एक ये, दोनों ही काफ़ी बड़े बड़े हो गए। उसके बाद इस साइड में ये आपका पचीरा का प्लांट है, चाइनीज मसेरा ऐसे कुछ करके बोलते हैं, एक ये है। उसके बाद यहाँ पर क्रोटन का वही बेबी प्लांट है, उसी प्लांट की कटिंग से तैयार हुआ है, और ये ब्रोकन हार्ट का मदर प्लांट है मेरा ये, और ये भी क्रोटन का एक पौधा है, क्रोटन के एक का एक पौधा यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये मेरी एक प्लांट है, देखिए पाम की वैरायटी है जिसे फिस्टल पाम बोला जाता है, मछली के पूंछ के जैसे इसके पत्ते होते हैं। फिर ये यहाँ पर ये दो प्लांट मेरे क्रोटन के हैं, और नीचे ये फर्न रखा हुआ है, और ये कोई ग्रास करके होती है, सिलॉन गोल्ड ऐसे कुछ करके, और यहाँ पर ये सारे स्नेक प्लांट हैं, ये तीनों पॉट के अंदर स्नेक प्लांट यहाँ पर भी है, एक स्नेक प्लांट यहाँ पर भी रखा हुआ है, और ये है आपका एलोवेरा का प्लांट यहाँ पर, ये एक बड़ा सा पौधा बिल्कुल हो गया है ये इसका जेट प्लांट का, और यहाँ पर भी आपको वैरायटी दिख जाएगी बोट लिली की, ये भी बोट लिली की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। और यहाँ पर ये रखे हुए हैं आपके बैम्बू पाम के प्लांट हैं ये दोनों, ये देखिए ये बैम्बू पाम है। उसके बाद यहाँ पर मेरा ये पोचुलाका बोल रहा हूँ मैं नाम ही भूल जाता हूँ ऐसे ऐसे, मतलब वीडियो करते करते खुद ही, तो कैलेंचो के प्लांट हैं, कैलेंचो की ये देसी वैरायटी है और ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है सारी, मुझे इस बार कैलेंचो थोड़ा ऐड करना है अपने गार्डन के अंदर, और अगर कहीं ऑनलाइन मिलता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, अगर रिजनेबल प्राइस में मिलेगा तो ऑनलाइन ले लेंगे। और ये है मेरी नियॉन पोथोज की वैरायटीज़, ये भी यहाँ पर भी नियॉन पोथोज ही है आपका, दो पॉट के अंदर लगा हुआ है, और मैंने बताया नहीं था क्रिप्टेंथस मैंने ढेर साले बना लिए, तो ये भी क्रिप्टेंथस ही है आपका,
ट्रिप्टेंथस ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये मतलब कैक्टस है, लेकिन ये आपका सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है। अब आते हैं गार्डन के इस हिस्से में। यहाँ पर ये मैं एक पूरी वीडियो से मैं कवर कर चुका हूँ। यहाँ ये सारे पौधे जो रखे हुए हैं ये सब के सब फेरोडेंडॉन है, मतलब ये पूरी रो जो है ये फेरोडेंडॉन की अलग अलग वेराइटी है। जैसे देखिए ये वाइट प्रिंसेस है, ये पिंक प्रिंसेस है, ये आपका ब्लैक पता नहीं क्या करके कुछ है, ये एप्पल गोल्ड है, ये आपका ग्रीन एम्पीरियल ग्रीन है, ये सिल्वर सोड है, ये आपका ऑरेंज प्रिंसेस है, यहाँ पर ये एम्ब्रायल्ड है, फेलोडेंडॉन एम्ब्रायल्ड पता नहीं गोल्ड कैसे कुछ करके, ये जंगल फायर का है। जंगल फायर के दो प्लांट हैं मेरे पास, और एक ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, मतलब है फेलोडेंडॉन ही, कौन सी वैरायटी मुझे नहीं पता। ये आपकी फेलोडेंडॉन की स्नाडू है, और ये है फेलोडेंडॉन की लेडी प्रिंसेस। तो यहाँ पर ये सारे लेडी पता नहीं क्या करके ऐसे कुछ है सारे का नाम, मतलब वीडियो थोड़ा फास्ट मोड पे कर रहा हूँ ना, इस वजह से नाम भूल भूल जा रहा हूँ। यहाँ पर ये भी आपका जो है ये वैरायटी है वही मेरे पास जो शुरुआत में मैंने पहला प्लांट दिखाया था गोल्डन पोथोच का। उसके बाद ये तीन के तीनों जो हैं ये फेलोडेंडॉन की अलग अलग वेरायटी हैं। ये फेलोडेंडॉन ग्रीन है, ये इसका ऑक्सीकार्डियम ग्रीन, ऑक्सीकार्डियम नियॉन, ऑक्सीकार्डियम वेरीगेटेड। फिर उसके बाद ये है मार्बल क्वीन, यहाँ पर एंजॉय पोथोच, और यहाँ पर ये मेरा मदर प्लांट है। अब की इस बार तो ये अब हटाने लायक बिल्कुल हो गया है, क्योंकि अभी ये डी शेप बिल्कुल हो रहा है, बहुत पुराना हो गया, लगभग 4 साल पुराना से इम्पोर्ट के अंदर लगा हुआ है। ये सिंगोनियम की सब अलग अलग वेराइटीज हैं। यहाँ पर सारे इस रो में पूरी सिंगोनियम रखी हुई है। मेरे स्टैंड थोड़ा जो है वो रस्टेड ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रस्ट लग गई है, तो अच्छा आ नहीं रहा होगा, तो प्लीज़ उसके लिए कुछ ऐसा मत सोचिएगा, मुझे जल्द ही इनको कलर कराना है। फिर इसके बाद यहीं से एग्लोनिमा स्टार्ट हो गए हैं। ये एग्लोनिमा की दो नॉर्मल वाली वेराइटी, तीन नॉर्मल वाली वेराइटी हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जिसमें से ये वाली सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये कटिंग्स जो छोटी छोटी मैंने इस साल अलग अलग सेपरेट करके लगाई हुई हैं, ये सारी कटिंग्स वगैरह हैं, और यहाँ पर हैं सारे मैच्योर प्लांट, ये जिसमें ये सबसे बुशी ये वाला है, फिर ये वाला है, और उसके बाद सारे बुशी हैं लगभग ही जो है, सारे के सारे प्लांट बुशी हैं। कुछ को मैंने छोटे प्लांट प्लांटर में शिफ्ट किया है, कुछ पौधों की हालत जिनकी ठीक नहीं थी, और कुछ की मैंने कटिंग भी लगाई है। जैसे देखिए इस वाले की मैंने कटिंग लगाई है यहाँ पर, तो ये हो गया, मतलब कितना भी फास्ट मोड पे मैंने किया, और अभी मैं अगर थोड़ा ध्यान से दिखाऊं तो लंबी हो जाएगी थोड़ी वीडियो। खैर इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं ये एग्लोनिमा के साथ। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो अगर देखा जाए तो 50 वेराइटी कम से कम एग्लोनिमा की होगी, तो कम से कम 200 वेराइटीज़ के प्लांट तो मेरे पास इंडोर होंगे ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।